प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवरों के बाद भी जिले में अवैध खनिज खनन का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के निर्देश पर शनिवार की सुबह खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज का परिवहन करते हुए चार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को धरपकड़ करते हुए यातायात थाने पर खड़ा कर दिया, जहां अवैध खनिज कर रहे दो ट्रैक्टरों में पत्थर तो दो ट्रैक्टर ट्रॉली में बालू रेता भरी हुई है। वहीं खनिज विभाग की कार्रवाई से अवैध खनिज परिवहन कर रहे खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ, जहां अब देखना यह होगा कि अवैध खनिज का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर खनिज विभाग चार ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर अपने अपने कर्तव्य की इतिश्री करता है या आगे भी कार्रवाई को जारी रखते हुए अवैध खनिज परिवहन पर विभाग नकेल कसने का काम करेगा, इसका तो आगामी दिनों में पता चल सकेगा। शेरपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग। सर, माइनिंग विभाग ने आज एक कार्रवाई की है, जिसमें कितने ट्रैक्टर पकड़े गए और क्या कार्रवाई रही अपनी तरफ से? आज खनिज विभाग के हमने द्वारा खनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई, जिसमें चार ट्रैक्टर को रोका गया, जिसमें दो ट्रैक्टर बोल्डर के हैं और दो ट्रैक्टर में मिट्टी भरी हुई है। चारों वाहन के चालकों के पास में खनिज परिवहन की अनुमति नहीं पाई गई है, रॉयल्टी नहीं पाई गई है, उन्हें मौके में जब्त करके थाना यातायात में खड़ा कराया गया है।